हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो, तो इस चैप्टर को हमने चार अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो मराठी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश टू हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से, राइट, सो हाउ बेसिकली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरी वर्ड एंड द सेंटेंसेस फ्लो, राइट। सो प्लीज if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना video English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी question answer by heart करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, you can write on your own, that is very important. So हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश मराठी सारी चीजों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा और हम जो है इस सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए, बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड अ स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ टॉपिक पीयर प्रोफाइल। सो लेट अस गो अहेड एंड रीड अबाउट इट। सो आई जस्ट वांट टू गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पीयर प्रोफाइल। पीयर इज मीनिंग इज समवन एट योर ओल्ड लेवल और सेम एज, यू कैन से योर फ्रेंड्स। Profile, a short description of your friend, of your peer. So, now let us start. Get 10 of your friend to fill in this sheet for you. So, just make your friend to come with you and give this sheet, 10 sheet to your friend, 10 to 10 friends. And then tell them to fill this sheet for you. Means that they have to fill about themselves, what the qualities, how, where they live, what is their age, etc. That is discussed. My name, Anisha Kishore Ambedkar. At home, they call me Shona. My friends call me Nisha.
some of the things I enjoy. Swimming, ice cream. Some of the things I appreciate. Music, good handwriting. Some of the things I fear. A mouse singing in front of the class. Some of the things I hate to do. Cut onions. Some of the things I have to do. Get up early in the morning. Some of the things I will never do. Tell a lie to my mother. Some of my good habits. Brushing teeth twice in a day. Some of my bad habits. Stuffing my clothes in the cupboard without folding them. My favorite personality, Mahendra Singh Dhoni. What I like most about this person, he's a very good captain. And then signature of that person. So this is a peer profile. This is a person. This is a profile of a person who is of the same age as you are, like your friends. So you have given a sheet to your friend whose name is Anisha, and she has filled this sheet. She had told about habits, what she like, what she appreciate, what she hate to do. Like she hate to do cut onion because when you cut it, you just feel like you are crying. Yeah, it's you are crying. But she had to do the work she had to do. She has to get up early in the morning. But she don't want what she hate. Or she never liked to do. It's tell a lie to her mother. She just don't want to lie to her mother. Good habit. Brushing teeth twice in a day. So after you have collected the filled in sheet from your friends, go through all of them and make notes for each of the point. Use the notes to write a report about your friends. So if you get the sheet what your friend had filled, collect it and make a separate note for it, and then just write a report about them. Like dislikes, habit, favorite personality, etc. You can present your report orally or in writing. You can just present this report in writing form or orally. Just speaking, you know, when you want to give a presentation, when you want to give a description about your friend. Remember the following things when you make a written or oral presentation. So you should remember the following thing which I'm going to discuss for the presentation. If you are giving oral presentation or written presentation, you need not mention the names of your friend in your presentation. You should only give a summary of what you observe in the responses given by many people. So here you should never mention the name of your friends if you are giving the presentation. You should describe, summarize in short what you observe, what you just see and feel in your responses given by many people or many peers. Your presentation should clearly show what many or most people enjoy, appreciate, fear, etc. What only some of them mention and what only one or two mention. So in your presentation you should just mention very clearly. There should be no vogue about. So this presentation should be clear, and you are mentioning should tell about their enjoyment, their appreciation and their fear. If necessary, you may point out what is not mentioned by any of the people. For example, you may say, it appears that nobody is afraid of examination, as no one has included them in the things they fear. So if necessary,
You may just point out that something is missing, and you say that missing point is that everyone has told the fear, but the biggest fear of the examinations. You should also mention what you found most interesting in the responses at the end of your presentation. While you are ending the presentation, you can give what you find interesting. Like, you find interesting that the girl just don't want to lie to her mother. That is a good habit you should develop. You must take care to see that you don't hurt anyone's feelings when you get the sheet filled or when you make your presentation. So you have to remember, you should take care, or must take care, that you are not hurting anyone's feeling. Because if you're presenting about someone, it's not so be very bad or rude. It should be a humorous one, or interesting one. This is a language-oriented project. This is a language-oriented project, and therefore it is necessary that the student do it independently, using many language skills like approaching people politely, putting together the information gathered under the proper categories in a relevant manner, preparing a report on what they observe and presenting the report briefly but in an interesting manner. Some children should be allowed to present the report orally in the classroom. The teacher should see the personal remarks are not made during the presentation and preparation of the reports. This topic, peer profile, it's just a language oriented project, that how, what you write, what is the mistake you have done, how clearly you present your presentation, and how you deliver your report. So teacher should see that person. So teacher should see that no personal remark should be made on any children. And these peer profile is one of the informative topic, because you wanted to know about your friend, you can get from it. Thank you children. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट? और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा. सो प्लीज, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट? सो प्लीज, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज वीडियोस को सुनना है, और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट? अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ. जैसे देखिए, यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट? 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो. ये है ट्यूशन आपका. ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो. टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है. टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं. सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट? और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं. तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं. हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशंस बराबर नहीं करते. प्रॉब्लम है वहां पर, वहां ज्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है. और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो. हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है.
आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इम्प्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीजों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीजें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप क्लिक करिए, वहां पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए, उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोज रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा एक दो दिन परेशानी होगा, लेकिन एक दो दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो, और फिर हर रोज डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीजें आप करोगे, करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मजेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पर ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।